नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, नारियल ही नहीं बल्कि नारियल का पानी, ये दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और गर्मियों में तो इनका सेवन आपको कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। गर्मियों में इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल का फूल भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है? जी हाँ, नारियल के पेड़ द्वारा उत्पादित ये एक ऐसा फल है जिसमें आपको फायदे पहुँचाने के बहुत सारे गुण होते हैं। ये फल फ्लैशी, रेशेदार छाल, हार्ड एंडोकार्प, व्हाइट पल्प और रसीले स्वाद का होता है। इसका उपयोग बीज के अंदर मौजूद पानी के साथ खिलाने के लिए किया जाता है, जैसा कि इसके वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। दुनिया में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्या आपने कभी किसी नारियल को तोड़ने के बाद एक छोटा गोल, नरम और स्पंजी आकार का कुछ देखा है? क्या आप इस दुविधा में हैं कि आपको इसे खाना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है और जानिए आज के इस एपिसोड के माध्यम से। नारियल का फूल तब बनता है जब नारियल झाड़ी से गिरता है और महीनों के बाद उसके अंदर का पानी स्पंज में बदल जाता है, जो पोषण देता है और एक नए पौधे को अंकुरित करने में मदद करता है, जो एक और नारियल का पेड़ बन जाएगा। नारियल का फूल रसदार है और जब यह निविदा होती है तो यह मीठी होती है, लेकिन हमेशा कुछ मिठास का संरक्षण करती है और सभी प्रकृति में मौजूद खजानों की तरह बहुत अच्छा है। इसे कई प्रांतों में कच्चा खाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि नारियल पानी और नारियल बहुत पौष्टिक होते हैं, इसीलिए इसे भी कम मत समझिए आप। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रजुता दिवेकर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर नारियल के फूल का पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैंने बीच में से इसे खोला है ताकि आप देख सकें कि यह सब क्या है। यह कमल या गुलाब नहीं बल्कि नारियल का फूल है। पोषक तत्वों और स्वाद से भरपूर यह भारत के तटीय भागों के लिए अति स्थानीय हिस्सों में पाया जाता है। यह छोटा फूल आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, ब्रेन और हड्डियों के लिए अच्छा होता है। यही कारण है कि हम आपको नारियल के फूल के सबसे अच्छे 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। इसमें मौजूद एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी पैरासाइट गुणों के कारण यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। नारियल का फूल खाने से आपको तुरंत एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि यह एनर्जी का प्राकृतिक स्रोत है और शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। पोषक तत्वों, विटामिन और मिनरल के पाचन और अवशोषण में सुधार करता है। इंसुलिन स्त्राव और डायबिटीज से जुड़े लक्षणों में सुधार करता है। इंसुलिन की कमी समय से पहले उम्र के बढ़ने और बीमारी का कारण बनने वाले फ्री रेडिकल्स को हटाकर शरीर को कैंसर से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ के जोखिम को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL में सुधार करता है। नारियल का फूल थायराइड से परेशान लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह थायराइड के काम को पुनर्स्थापित और समर्थन करता है। नारियल की तरह इसका फूल भी किडनी की बीमारी और ब्लैंडर इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। गर्मियों में इसे खाना बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप वजन कम करने के उपायों की खोज कर रहे हैं तो नारियल फूल के साथ इसका जूस आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे खाने से आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होता है। इसके अलावा इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसे खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता है। इसके अलावा बालों और त्वचा को हेल्दी और जवान दिखने में मदद करता है। ये झुर्रियों को रोकता है, त्वचा पर झाइयां, उम्र के धब्बे और धूप से सुरक्षा प्रदान करता है। तो देर किस बात की, आपको जब भी मौका मिले नारियल के फूल को जरूर सेवन विधि में इस्तेमाल करें, अपने सेवन के लिए इस्तेमाल करें, ये बहुत फायदेमंद होता है। नारियल का फूल अगर आपको मिलता है तो आप उसे ले आएं और उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ये बहुत गुणकारी औषधि है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए नारियल के फूल के गुणों से रिलेटेड। कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें इंस्पायर्ड करती है आगे के वीडियोज बनाने के लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आने में मदद करती है। और साथ ही साथ आपका कोई भी सवाल है स्वास्थ्य संबंधी तो वो लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आप सभी का नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाइए लाल बटन को दबा करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अब आप सभी से नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।